सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? यार उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे और सब मज़े में होंगे। तो यार भाई लोग, सबसे पहले मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ कि पेटीएम के मैंने दो वीडियो डाल दिए, उन दोनों से आप लोगों को कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। जो कल वीडियो डाला था पेटीएम केवाईसी वाला, उसमें भी आप लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ। आप लोग बोल रहे हो फेक है, लेकिन मेरे वाले में अपडेट आया और वो ऑप्शन आया तो मैंने वो वीडियो डाल दिया। लेकिन फिर नीचे कमेंट आए कि हमारे मोबाइल में नहीं आ रहा है, ये फेक है, अच्छा नहीं वीडियो है, सही गलत है। तो मैं बता दूं आप लोगों को, फिर वो कमेंट देखने के बाद मैं फिर से पेटीएम में गया और मैंने देखा कि वहाँ पर मेरे पास भी केवाईसी का ऑप्शन अब नहीं आ रहा है। फिर मैंने ऐप को एग्जिट किया, फिर मैंने सोचा चलो नया वीडियो बनाते हैं। फिर मैंने जुगाड़ लगा के केवाईसी का ऑप्शन फिर से ढूंढा। तो आइए यार वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए लाल बटन को दबा के, और वीडियो को अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँगी KYC का ऑप्शन पेटीएम का आप लोगों को अपडेट कर लेना है। 14 सितंबर को अपडेट आया था, आप लोगों को वहाँ से प्ले स्टोर से अपडेट कर लेना। और मैं बता दूँ और ख़ास आप लोगों को कि मेरे पास है एंड्रॉयड 8.1 यानी कि एंड्रॉयड ओरियो। आप लोगों के पास कौन सा वर्जन है वो बता देना, और अपडेट आया है या नहीं आया वो भी बता देना कमेंट में, अगर आप लोगों के वो ऑप्शन नहीं आ रहा है तो। तो सबसे पहले मैं पेटीएम दिखा देता हूँ आप लोगों को, यहाँ पर मेरे पास अपडेटेड है। यहाँ पर देख लीजिए सीधा ओपन और अनइंस्टॉल नाम आ रहा है, और यहाँ पे देखिए व्हाट इज़ न्यू बग फिक्स्ड। लेकिन बग फिक्स हुए कब? 14 सितंबर को, और अगस्त में तो सब पूरा बुरा हाल था पेटीएम का, कोई भी केवाईसी का ऑप्शन वगैरह नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने अपडेट किया तो मेरे सामने केवाईसी का ऑप्शन आ गया था। तो मैं अब आप लोगों को लेकर चलता हूँ पेटीएम की ऐप के अंदर, और यहाँ पे पेटीएम को ओपन करते ही आप लोगों के सामने सीधा आ जाएगा ऑप्शन। यहाँ पर देख सकते हैं पे, मनी ट्रांसफ़र, पासबुक और केवाईसी, ठीक है। और यहाँ पर ये तीन चीज़ है ये। अब ये देखिए केवाईसी का ऑप्शन मेरे सामने है, अच्छे तरीके से आप लोग देख सकते हैं केवाईसी का ऑप्शन है। लेकिन आप लोगों के मोबाइल में अगर नहीं आ रहा है केवाईसी का तो कैसे आएगा, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो चलिए, अगर आप लोगों के सामने यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं है, मेरे पास भी नहीं था कल मतलब सुबह था जब वीडियो बनाया था, परसों था वीडियो बनाया था, फिर कल देखा, कल पूरे दिन केवाईसी का ऑप्शन नहीं आ रहा था। लेकिन फिर शाम को देखा आ रहा है, फिर एग्जिट किया, फिर देखा नहीं आ रहा है, फिर आ रहा है। तो ये कभी रहता है कभी नहीं रहता है ऐप को अपडेट करने के बाद। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कैसे आप लोगों का होगा। आप लोगों के एक दो ट्रांजेक्शन होने चाहिए, यानी 10 रुपये का या 20 रुपये का रिचार्ज, कहीं से आप लोग रुपये लोड करके रिचार्ज कर दीजिए। और रिचार्ज करने के बाद आप लोगों को सबसे पहले पासबुक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वहाँ पर क्लिक करना है। पासबुक का ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इंपॉर्टेंट, एज़ पर RBI गाइडलाइंस प्लीज़ प्रोवाइड एनी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट डिटेल टू कंटिन्यू यूजिंग पेटीएम वैलेट। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों को ये देना ज़रूरी हो गया। अब की बार जिसके पास KYC का ऑप्शन नहीं आ रहा है उसके पास ये ऑप्शन ज़रूर आएगा पासबुक पे क्लिक करने के बाद। तो KYC से ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है ये। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस और नरेगा जॉब कार्ड। तो आधार कार्ड की अब ज़रूरत नहीं है शायद, क्योंकि RBI के नए गाइडलाइंस आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप लोग पेटीएम पैन कार्ड दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। और वो भी अगर ना हो, आप लोग ये नहीं देना चाहते हो, KYC वही देखना चाहते हो, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों को पेटीएम पे क्लिक करना और सर्च करना है KYC। KYC सर्च करने के बाद आप लोगों के सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, आप यहां से आराम से KYC कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग पासबुक पे क्लिक करके ये सब ऑप्शन आएंगे तो ये दो, क्योंकि ये KYC अब ज़्यादा सेफ़ रहेगी। क्योंकि आधार कार्ड में बहुत सारे लोग दुकान में जाके चेंजेस करवा सकते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों में चेंजेस करवाना इतना आसान नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट ने RBI ने ये सब कर दिया है। तो बस उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। बस इतना ही था इस वीडियो में, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय, जय हिंद।